नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कंप्लाइंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके लिए हमारे पास अब बहुत काफ़ी कम समय बचा है। जी हाँ, काफ़ी कम समय बचा है और टोटल 10 कंप्लाइंस के बारे में आज आपके साथ चर्चा करूंगा दोस्तों। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 कंप्लाइंसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, बट 100% उन 10 में से एटलीस्ट एक कंप्लाइंस तो ऐसी होगी जो आपने शायद अभी तक पूरी नहीं करी होगी, और अगर कर भी रही होगी तो आपके ऊपर एप्लीकेबल जरूर होगी, तो जिससे वो आपको चीज़ जरूर रिमाइंड भी हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। तो सबसे पहली कंप्लाइंस दोस्तों मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा वो है जो आपको 31 मार्च 2021 से पहले पहले पूरी कर लेनी चाहिए, वो है कंप्लाइंस एडवांस टैक्स की। जी हाँ दोस्तों, एडवांस टैक्स हम सबको पता है किस्तों में चुकाया जाता है 3-3 महीनों की में। आखिरी किस्त थी जो कि 15 मार्च, उसकी ड्यू डेट जा चुकी है। बट मैं आपको अभी भी बता दूं, अगर आप 31 मार्च तक जमा करा देते हो तो उसको भी एडवांस टैक्स माना जाएगा और आपको ब्याज से राहत मिल सकती है। तो दोस्तों अगर अभी भी आप चाहते हो कि आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी ज़्यादा नहीं आए, तो 31 मार्च से पहले पहले आप आपका एडवांस टैक्स जरूर जमा करा दीजिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरी कंप्लाइंस की, वो है आपकी ITR रिवाइज्ड करने की। जी हाँ दोस्तों, ITR रिवाइज्ड करने की। अगर मार्च 20 की फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR में आपसे कोई त्रुटि हुई है, आप चाहते हो उसको रिवाइज करना, या कुछ एक फैक्ट्स आपके सामने बाद में आए हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड थे, कोई भी रीज़न जिसके लिए आप उसको रिवाइज करना चाहते हो और आपने वो रिटर्न पहले टाइम पे भर चुके हो, तो उसको रिवाइज करने की जो टाइम लिमिट है दोस्तों वो भी 31 मार्च 2021 तक ही है। तो प्लीज़ अभी जाइए और आपकी ITR रिवाइज करिए अगर ज़रूरत है तो। उसके बाद बात करते हैं हम बिलेटेड रिटर्न की। जी हाँ दोस्तों, बिलेटेड रिटर्न की। बिलेटेड रिटर्न का मतलब हम सब जानते हैं, ड्यू डेट के बाद जो रिटर्न भरी जाती है बिलेटेड रिटर्न मानी जाती है। तो फाइनेंशियल 19-20 की ड्यू डेट हर तरीके की रिटर्न की, चाहे आप टैक्स ऑडिट के SEC हो, नॉन टैक्स ऑडिट SEC हो, ड्यू डेट फाइनेंशियल 19-20 की ITR की जा चुकी है, बट अभी भी आप आपकी ITR भर सकते हो 31 मार्च 2021 तक। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथी कंप्लाइंस जो है GST के बारे में। GST ऑडिट आप सबने सुना होगा दोस्तों, काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे कि GST के बारे में मैं क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, जो समझे वो बिल्कुल सही समझे, और जिनको नहीं समझ में आई उनको बता देता हूँ दोस्तों। GST ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 19-20, GST ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो आखिरी तारीख है वो भी 31 मार्च 2021 है। साथ में इसमें आप GSTR 9 को भी ले सकते हैं, एनुअल रिटर्न की, और 9C जिसको हम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसको हम ऑडिट के नाम से जानते हैं, वो कंप्लीट, उन सबकी जो ड्यू डेट है 31 मार्च 2021। दोस्तों इन कंप्लाइंस के बारे में मैं डिटेल्स इस वीडियो में अकेले सिंगल वीडियो में आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, ऑल्दो जो छोटी मोटी कंप्लाइंस है GST ऑडिट हो गई, ITR रिवाइज हो गई, उसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोडेड है। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ किसी भी तरीके का इन कंप्लाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ कंप्लाइंस की, जो कि अपने आप में बहुत छोटी दिखती है बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की। आधार कार्ड पैन कार्ड की पहले कुछ और ड्यू डेट्स थी, उनको बढ़ाते बढ़ाते 31 मार्च 2021 तक आ गई है वो। तो दोस्तों 31 मार्च 2021 भी काफ़ी नज़दीक आ गई है। अगर आपका आधार और पैन एक दूसरे से लिंक नहीं है तो आपको मेरे हिसाब से अभी जाना चाहिए। जी हाँ, तुरंत ही वीडियो ख़त्म करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन पर क्लिक करके, तुरंत आपको सबसे पहले आपका काम आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने वाला करना चाहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों सिक्स्थ नंबर भी मैं छोड़ रहा हूँ, अपन डायरेक्ट जंप करेंगे सेवन्थ नंबर पे दोस्तों है विवाद से विश्वास स्कीम में। अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दी है तो 31 मार्च 2021 आपके लिए लास्ट डेट है। अगर आप चाहते हो किसी तरीके के लिटिगेशन जो आपके भी आया हुआ है उसको, उससे मुक्ति चाहते हो बेसिकली, तो आप सबको पता है कुछ एक परसेंटेज टैक्स, ब्याज में छूट वगैरह जो भी स्कीम है, उस स्कीम का फायदा लेने के लिए जो डिक्लेरेशन आपको देनी है 31 मार्च 2021 तक आप दे सकते हो दोस्तों। ध्यान रखिएगा, छठे नंबर की मैंने छोड़ रखी है। अब हम बात करते हैं 8th नंबर की कंप्लाइंसेस, TDS और TCS क्वार्टरली स्टेटमेंट। जी हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की आप सबको पता है 3rd मार्च की ड्यू डेट जा चुकी है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2021 के 3rd क्वार्टर की TDS रिटर्न और TCS की रिटर्न की ड्यू डेट जा चुकी है। लेकिन 1st क्वार्टर और 2nd क्वार्टर जो कि कोविड के समय में जब लॉकडाउन चल रहे थे उस समय जो ड्यू डेट बढ़ाई गई थी वो थी 31 मार्च 2021। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 की जो TDS TCS के स्टेटमेंट बेसिकली रिटर्न्स है उनकी ड्यू डेट 31 मार्च 2021 आपके सामने आ गई है दोस्तों। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए और पेनल्टी से बचिए दोस्तों।
नाइन्थ नंबर की है स्कीम, वो है अगेन जीएसटी वालों के लिए। अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना है तो आप 31 मार्च 2021 तक ऑप्ट कर सकते हैं दोस्तों। टेंथ नंबर की जो है वो ऑलमोस्ट 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 सबके लिए एप्लीकेबल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो सबके लिए एप्लीकेबल होने वाली है। पहले मैं आपको बताऊंगा सिक्स नंबर की, जो हमने बीच में छोड़ी थी। सिक्स नंबर की ऑल दो हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होगी, बहुत ही मिनिमम लोगों पे एप्लीकेबल हो पाएगी, और वो एप्लीकेबल होगी उन एम्प्लॉइज पे जिन्होंने साल के दौरान अपनी जॉब स्विच करी है, अपनी जॉब बदली है उन्होंने। तो उनको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 12B, ताकि नए एम्प्लॉयर को वो उसके थ्रू डिटेल्स देते हैं, पुराना जो एम्प्लॉयर थी उसकी सैलरी से रिलेटेड उनको वो रिटर्न्स इनकम डिक्लेयर करनी होती है, ताकि अकॉर्डिंगली उनका TDS कट जाए दोस्तों। तो फॉर्म 12 भी ये ऑल दो बहुत लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर जिस पे भी एप्लीकेबल है, अगर आपको किसी तरह कोई डाउट हो उस फॉर्म 12 भी में, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर उसको शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको उस पे हेल्प देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपके सामने टेंथ नंबर पे, जो मैंने कहा था कि सबके लिए, जी हाँ, ऑलमोस्ट 99.99% लोगों के लिए एप्लीकेबल है, और काफ़ी लोगों ने अभी तक वो चीज़ करी भी नहीं होगी। जी हाँ, मैंने अभी तक खुद ने वो चीज़ नहीं करी है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन केसेस में भी काफ़ी लोगों में अभी तक वो चीज़ नहीं हुई है। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। टेंथ नंबर की जो कंप्लाइंस है वो है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भी आपको, अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में से रिलेटेड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किए हैं, उसकी भी ड्यू डेट 31 मार्च 2021 ही है दोस्तों। पिछली बार फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 3 महीने से बढ़ाई गई थी, अप्रैल मई जून के लिए। ये कहा गया था कि आपने अगर अप्रैल 20, मई 20 और जून 20 में भी कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप चाहो तो उसको 19-20 में क्लेम कर सकते हो। लेकिन इस बार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, अगर आपने अप्रैल से लेके जून 20, जी हाँ, अप्रैल 2020 से लेके जून 20 के बीच में कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट किया था और आप उसको ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ITR में क्लेम कर चुके हो, तो दोस्तों 2021 की ITR में वो कंसिडर नहीं होगी। उसको गलती से भी कंसिडर मत करना। अगर आप उसको सोचते हुए अपनी 2021 की इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर रखी थी, तो प्लीज़ उस पोर्शन को हटाइए, उसके बाद आप रिकैलकुलेट करिए। अगर आपको लग रहा है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो अभी आपके पास 8 से 10 दिन का और समय है, तो इस समय को ना गवाइए, और टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको जमा कराना चाहिए, किस तरीके से हम टैक्स बचा सकते हैं, किस इन्वेस्टमेंट में कब तक के लिए क्या मैच्योरिटी आएगी, कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, किसके क्या बेनिफिट है, किसके क्या रिस्क है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करो। और वीडियो के चैनल पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा, और मैं लास्ट में भी लिंक डाल दूंगा आपके लिए, आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें मैंने आप ऑलरेडी लॉकडाउन के समय ही वो वीडियो बनाया था, जो शायद अब आपके काम आने वाला है। उस वीडियो में एज वाइज, जी हाँ, आप किस एज ग्रुप में हो, कि आप यंग एज में हो या यंग से थोड़ा सा बड़े हो, बुजुर्ग एज में हो, रिटायर्ड एज में हो, उस एज वाइज मैंने आपके लिए वहाँ पे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट डाले थे, कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टैक्स सेविंग, नॉन टैक्स सेविंग, दोनों तरीके के। तो वो वीडियो अब आपके जरूर काम आने वाला है दोस्तों। तो 31 मार्च 2021 तक ये टोटल 10 कंप्लाइंसेज हैं, टोटल 10 कंप्लाइंसेज हैं, जो आपके, मेरे लिए, सबके लिए करना जरूरी है दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपसे चाहूंगा। अगर इन 10 कंप्लाइंसेज में से किसी का भी अभी तक कुछ भी बाकी है जो आपको करना है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें कि सर ये 10 जो थे ये अभी हमसे छूटे हुए थे और आपके वीडियो के बाद हमें ये चीज़ याद आ रही है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारे वीडियो कितने फ्रूटफुल होते हैं आप सब लोगों के लिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बिना सब्सक्राइब करे, बिना चैनल को और वीडियो को एग्जिट ना करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।